रतनगढ़ के जालान राजकीय चिकित्सालय के सामने स्थित बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के स्टैचू पर नवचयनित अध्यापक भागीरथ नायक, हरदेसर, पूनम चंद नायक बाउंदेसर, मुकेश मेघवाल दात्री और छगनलाल नायक दात्री ने राजकीय सेवा में आने का श्रेय बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर को मानते हुए अपनी इस उपलब्धि को बाबा साहेब को अर्पित करते हुए आभार व्यक्त किया। इस मौके पर राजस्थान शिक्षक संघ अंबेडकर के जिलाध्यक्ष मास्टर शिवाराम मेघवाल, वरिष्ठ शिक्षक नेता शिव कुमार गाड़गिल, राकेश कुमार नायक, रतनगढ़ ब्लॉक उपाध्यक्ष भंवरलाल सावा, ब्लॉक मंत्री नरेंद्र नायक, व्याख्याता मग्नाराम नायक, वाइस प्रिंसिपल विक्रम सिंह, पुरुषोत्तम सिल्ला, रामनिवास नायक, चुनीलाल न्यालिया, लूट सरपंच संपत नायक बनीराम, श्यामलाल नायक, कुलदीप नायक, अजय नायक सहित अनेक लोगों की उपस्थिति में बाबा साहेब की जयकारे लगाए। जिलाध्यक्ष शिवाराम मेघवाल ने बताया कि यह एक अच्छी पहल है जो अपनी उपलब्धि को बाबा साहेब की देन बताया है। राजस्थान शिक्षक संघ अंबेडकर के साथ जुड़कर संगठन को मजबूती प्रदान करने का कार्य करे और बाबा साहेब के विचारों को आगे जन जन तक ले जाने का आह्वान किया। ये हमारे रतनगढ़ ब्लॉक से जो अभी तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती हुई है उसमें नव चयनित जो आए हैं वो बाबा साहेब के प्रति अपना आभार प्रकट करने के लिए पधारे हैं और राजस्थान शिक्षक संघ अंबेडकर के अंदर जुड़ करके और ये संगठन को मजबूती देने का कार्य करेगा, ऐसा इन्होंने संकल्प लिया है और इसके लिए मैं इन्हें बहुत बहुत आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आपने बाबा साहेब के विचारों को समझा और बाबा साहेब के विचारों को आज तक ले जाने के लिए संकल्प लिया है और राजस्थान शिक्षक संघ अंबेडकर का एक अभिन्न हिस्सा बनकर के आप जहां भी जिस भी ब्लॉक में कार्य करेंगे, जिस भी जिले में कार्य करेंगे, मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आपके निर्देशन में, आपके नेतृत्व में राजस्थान शिक्षक संघ अंबेडकर है वो ऊंचाइयों तक जाएगा और नव चयनित जो भी साथी यहाँ से ये संकल्प लेकर जा रहे हैं कि हम समाज के साथ एक नए रूप में जुड़ करके और समाज सेवा के लिए जो कार्य करेंगे वो एक मिसाल पेश करेंगे और बाबा साहेब के विचारों को आगे तक ले जाने का कार्य करेंगे और इसके लिए एक बार पुनः मेरे राजस्थान शिक्षक संघ अंबेडकर की जिला कार्यकारिणी, तहसील कार्यकारिणी की ओर से नव हार्दिक शुभकामनाएं।